The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So varicocele kya hai? Varicocele एक वेन है जो वेन्स होती हैं आपके स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस से ब्लड वापस शरीर को आपके हार्ट को जाने वाली जो वेन्स होती हैं वेन्स राइट द उन वेन्स में अगर स्वेलिंग आ जाए सूजन हो जाए तो उनको कहते हैं वेरिकोसील सो ये वेन्स जो कॉर्ड होती है जो के टेस्टिस को पकड़ के रखती है उसके साथ साथ ऊपर जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ मैन एक आदमी के टेस्टिस के साथ ऊपर वेन जाती है वहाँ सूजन आ सकती है चोट लग जाए प्रेशर बढ़ जाए ज़्यादा खड़े होते हो व्हाटएवर काफ़ी कारण होते हैं उसमें सूजन के जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी याद रखिए वेल्व्स होती हैं जैसे वेरिकोस वेन में हमने समझाया था वेरिकोस वेन में हर एक वेन में बॉडी में मोस्ट वेन्स में वेल्व होती है वेल्व का क्या काम है ऐसी वेल्व होती है नीचे से ब्लड आएगा तो वेल्व खुल जाएगी ऊपर से ब्लड वापस आने जाएगा तो वेल्व बंद हो जाएगी अगर एक आधी वेल ऐसी एक एक लेवल यहाँ वेल्व है फिर यहाँ वेल्व है फिर यहाँ वेल्व है ऐसे ऊपर नीचे तीन तीन एक एक लेवल में वेल्व है अगर ये वेल्व खराब हो गई ये वेल्व ऊपर वापस छोड़ दे रही है ब्लड तो डबल प्रेशर दूसरी वेल्व पे आ जाएगा तो वो वेल्व क्या होगी वो फैल जाएगी वो फैलेगी इतना फैलेगी तो नीचे और डबल प्रेशर फिर फैल जाएगी ऐसे फैल फैल के वेल्व फैल के पूरा का पूरा थैला बन जाता है वहाँ पे वेरिकोसील बन जाता है या वेरिकोस वेन बन जाता है वेरिकोसील जब स्क्रोटम के अंदर होती है तब होती है वेल्व के वजह से होती है याद रखिए तो इसी के वजह से इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो होने लग जाता है ब्लड बैकअप होने लगता है और इसी वजह से स्वेलिंग होने लगती है ये जैसा वेरिकोस वेन में होता है बिल्कुल वैसा ज़्यादातर केस में ये बहुत स्लोली डेवलप होती है इट टेक्स टाइम कई बार ये बहुत कॉमन है 15 से 25 साल की उम्र में 15 से 25 साल के आदमियों को बहुत कॉमन है और ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रोटम में पाई जाती है लेफ्ट साइड में क्यों इसका कोई जवाब नहीं है बस ज़्यादातर पाई गई है इसलिए बता रहे हैं वेरिकोसील बुढ़ापे में भी पाया जा सकता है लेकिन ये कुछ उसके कारण देखे जाते हैं बुढ़ापे में अगर है तो वो हो सकता है किडनी के अंदर एक कोई ब्लॉकेज कोई ट्यूमर कोई ऐसी चीज़ किडनी प्रॉब्लम की वजह से जिसके वजह से उस वेन में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया है वेन से ब्लड फ्लो ब्लॉक उस वजह से भी हो सकता है सो किडनी प्रॉब्लम कैन कॉज दिस थिंग यंग में भी किडनी को चेक करना चाहिए अल्ट्रासाउंड होना चाहिए पेट का भी और स्क्रोटम का भी ऑब्वियसली इसका डायग्नोसिस ही स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड से होगा सिम्टम क्या होगा अगर मान लो ऐसी किस प्रकार की वेरिकोसील सूजन हो जाए तो ऑब्वियसली स्क्रोटम के अंदर आपके सूजी हुई खून की नसें हैं एनलार्ज ट्विस्टेड वेन्स हैं तो इसमें एक डल एकिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है अजीब सी दबाव या अजीब सी दुखन महसूस हो सकती है कई बार बिना किसी पेन के लंप भी रहता है कि भाई टेस्टिस के ऊपर या उसके आसपास कोई गांठ मिल रही है या फिर स्क्रोटम में ही सूजन है या फिर बल्जिंग महसूस हो रही है स्क्रोटम के आसपास वहां किसी जगह पे इस तरीके की दिक्कत हो सकती है और इस केस में प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी की आ सकती है डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट की आ सकती है बिकॉज अगर टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो टेस्टिस के फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है जी हाँ तो ये प्रॉब्लम तो इसीलिए कभी कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई लो स्पर्म काउंट कोई इनफर्टिलिटी से मेल आता है तो उसका उसके स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये देखने के लिए कहीं वेरिकोसील तो नहीं है सो ये इम्पॉर्टेंट है तो एग्जामिनेशन क्या होगा पहले तो एग्जामिनेशन होता है स्क्रोटम का टेस्टिस का हाथ लगाने कभी सूजन दिख जाए तो वो अलग चीज़ है ज़्यादातर केस में नहीं दिखती कुछ केसेस में दिख जाती है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को जब देखा जाता है उसको देख के उसमें टेंडरनेस हो सकती है दबाव में दबाने से दर्द हो सकता है राइट एक साइड का टेस्टिस छोटा महसूस हो सकता है दूसरे साइड का अगर सूजन है मतलब उस तरफ हो सकता है ब्लॉकेज हो इसलिए ब्लॉकेज है वापस देखो बहुत सिंपल है वापस जाने वाला ब्लड ब्लॉक हो गया है तो ब्लड रुकेगा ना काय में रुकेगा टेस्टिस में रुकेगा ना ब्लड ज़्यादा रुक रहा है तो थोड़ा तो सूजेगा तो सूजेगा सो वो सूज सकता है राइट तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो सकता है अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस के अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा टेस्टिस या स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड होता है उससे क्लियर दिख जाता है इसके साथ किडनी का भी अल्ट्रासाउंड करना चाहिए किसने जिसको भी ये प्रॉब्लम है चलो ट्रीटमेंट क्या सबसे पहले अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो एक जॉक स्ट्रैप होता है जो क्रिकेट में पहनते हैं जिसके अंदर एक पॉकेट होता है पॉकेट में स्क्रोटम और अंडे अपने डाल के बढ़िया से ऐसे खुद जाता है जॉक स्ट्रैप पहनने भर से कई बार डिस्कम्फर्ट ठीक महसूस होने लगता है बेसिकली जैसे पैर में वेरिकोस वेन के लिए
हम कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनते हैं, वैसे ही यहाँ पर जॉक स्ट्रैप पहनते हैं, जॉक स्ट्रैप पहनते हैं। सो ये एक सिर्फ डिसकंफर्ट कम करने वाली बात है। अलग से ट्रीटमेंट के लिए अगर पेन नहीं ठीक हो रहा तो फिर सर्जरी पढ़नी पड़ती है, सर्जरी करेक्ट करना पड़ता है वेरिकोसील का। एक वेरिकोसीलेक्टॉमी होता है, ये करने के लिए ऑब्वियसली एक छोटा सा ऑपरेशन है, बड़ा नहीं है। एक आपको नमिंग मेडिसिन दी जाएगी, छोटा सा एनेस्थेसिया वहीं पर, और जो यूरोलॉजिस्ट करेंगे, यूरोलॉजिस्ट एक छोटू सा कट मारेंगे जिससे कि कई बार आपके पेट के लोअर एब्डोमिन में मारा जाता है और एब्डोमिनल वेन्स को है उसको टाई कर देंगे, पेट की जो वेन उसको टाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल वेन है उससे ब्लड फ्लो उस जगह से जाने लग जाएगा। और कई बार जो छोटे इंसीजन लैप्रोस्कोपिकली भी किए जा सकते हैं ये चीज़, और बेसिकली एक छोटा सा ऑपरेशन है वो ठीक कर देंगे। कौन करेगा? यूरोलॉजिस्ट। तो ऑपरेशन की डिटेल छोड़ देते हैं, आपको एक ही दिन में छुट्टी हो सकती है, कई बार एक दिन से ज़्यादा नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको थोड़ा उस एरिया में 24 घंटे के लिए आइस पैक रखना पड़ सकता है आफ्टर सर्जरी, स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए। सर्जरी का ऑल्टरनेटिव है, जी हाँ है, क्या है? एम्बोलाइजेशन, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर क्लॉट, यानी उसके अंदर कुछ फंसा दो, वेन है बड़ी हो गई है उसके अंदर कुछ फंसा दो। क्या करते हैं? एक छोटी ट्यूब, स्मॉल हॉलो ट्यूब डाली जाती है जिसको कैथेटर बोलते हैं, वो वेन में डाली जाती है आपके ग्रॉइन और ग्रॉइन एरिया से, राइट, जो ग्रॉइन का एरिया वहां से। और उससे क्या, वो ट्यूब को वेरिकोसील के अंदर एक्सरे के तरफ देखते हुए फ्लूरोस्कोपी में डाला जाता है। वेरिकोसील यानी सूजी हुई नस के अंदर डाला जाता है, और बहुत इतनी सी वेन है तो इतनी सी पतली सी वायर पे जाके उधर एक पतली सा कॉइल डाल दिया जाता है। वो कॉइल क्या करता है, एक ही जगह पर ऐसा गोल 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 करके ऐसा बना देता है गांठ, वो कॉइल की गांठ है। वो कॉइल अंदर रह के क्या होता है, वो गांठ बन जाती है, कॉइल पासेस थ्रू द वेन, कॉइल ब्लॉक कर देती है ब्लड फ्लो, जो गलत वेन है, सूजी वेन है उस पर ब्लड फ्लो नहीं जाती, जो क्योंकि वहाँ बहुत सारा प्लेक्सिस है। देखो वहाँ पे मान लो 25 वेन है ऐसी, 25 में से चार सूजी है, चार को ब्लॉक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट, बाकी सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो इस तरह से हम करते हैं, जो नॉर्मल एबनॉर्मल वेन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, नो बिग डील, राइट। सो ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है कॉइलिंग, और इसको कहते हैं वेरिकोसील एम्बुलाइज, क्योंकि वहाँ कॉइल डाल देते हैं, वहाँ कुछ आ गया, फंस गया, एम्बुलस बन गया, वो आगे ब्लड नहीं जाने देगा। सो वेरिकोसील एम्बुलाइजेशन, इसमें भी आपको 24 घंटे तक आइस पैक रखना पड़ेगा और स्क्रोटल सपोर्ट पहनना पड़ेगा कुछ टाइम तक, स्क्रोटल सपोर्ट या जॉक स्ट्रैप पहनना पड़ेगा। सो ये इसके साथ कई बार हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, और इसमें बहुत छोटा कट लगता है, कोई चीरा नहीं लगता है, इसमें सिर्फ सुई डालनी पड़ती है और बहुत जल्दी हील भी हो जाता है। सो दो ऑप्शन है आपके पास, छोटा ऑपरेशन या फिर एम्बुलाइजेशन, और दूसरा है एक जॉक स्ट्रैप। जॉक स्ट्रैप पहननी है वेरिकोसील वालों को। वेरिकोसील एक हार्मलेस चीज़ है बहुत, अगर दर्द नहीं है, दिक्कत नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है, बच्चे पैदा है, बढ़िया हो गए, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, तो कुछ नहीं करना, रहन दो, जॉक स्ट्रैप पहन लो बस, और कुछ नहीं करना। सो दिस इज़ द थिंग, अनलेस एंड अनटिल साइज हो रहा है चेंज आपके टेस्टिस का, अनलेस एंड अनटिल पेन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तभी कुछ करेंगे। और अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो ज़रूर सर्जरी करेंगे, और सर्जरी के बाद आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए, फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपने, मान लो आपके अर्ली एडोलेसेंस, जब 15 से 25 साल की उम्र तक आपने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, आप आए 40 साल में, तो 40 साल के बाद हो सकता है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाए, इतने साल में टेस्टिस सारी खराब हो गई है, आप पेन सह सह के भूल गए। अब ये इसलिए समय पे करा लेना चाहिए। टेस्टिकुलर एट्रोफी मतलब वो छोटी छोटी होके सुखड़ गई, ऐसे भी हो जाता है। सो रिमेंबर, टाइम से ऑपरेशन करा लीजिए, टाइम से ट्रीटमेंट करा लीजिए, सब बढ़िया रहता है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इसका इनफर्टिलिटी है, और उसके अलावा टेस्टिस छोटे हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है, या कभी कभी क्लॉट बन जाता है, कभी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी इंजरी हो सकती है या नियर बाय वेसल्स को। तो इसीलिए वेरिकोसील्स को लाइटली नहीं लेना, छोटा सा ऑपरेशन है, करा लेना चाहिए। बेस्ट डॉक्टर इसके हैं यूरोलॉजिस्ट, आसपास यूरोलॉजिस्ट को देखो, जाके मिलो। अगर टेस्टिस में लंप है तो पहले कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराओ स्क्रोटम का। यह हुई जानकारी सारी वेरिकोसील की, आई होप आपको समझ आई। समझ आई तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए जब आप लाइक करते हैं सभी
वीडियोस को रेकमेंड किया जाता है दूसरे पेशेंट्स को लो, ताकि दूसरे लोग इसको देख के अपना ज्ञान ले सके. थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.